फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। वाल्मीकि जी तुलसीदास से क्या कहे? तो बोले तुलसीदास जी पूछे कि कलयुग कब आएगा? हाँ नहीं, वाल्मीकि जी बोले कि कलयुग आएगा। तुलसीदास जी बोले कि आएगा तो कैसे आएगा? कि कलयुग आ गया है। एक दिन कलयुग आएगा, माता पिता के पुत्रन जनिए तिरिया संग नेह लगाएगा, उ तिरिया अपना पति के न जनिए आन पुर संग भाएगा। बालन के कह गए कहता कि ये जब होने लगेगा तो समझो कलयुग आ गया। आ गया तो साफ दिखाई दे रहा, अभी नहीं आया है, आ गया है। दिखाई देने लगा, बच्चे जो है माता पिता को नहीं जान रहे हैं, बच्चे माता पिता को नहीं जान रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं उनके साथ। मतलब बड़ा बड़ा आदमी माँ बाप को नहीं सुनते, छोटा छोटा बच्चों को सुनते। ओ बड़े आदमी भी जो है, बड़े नोट वाले भी, वो लोग भी अपने माता पिता को नहीं समझ रहा है। मतलब माता पिता जो है एक सर्वेंट हो गए हैं कि मेरे बच्चे को खिलाएंगे, ये करेंगे। मतलब कलयुग आ ही गया। आएगा हमको कुछ इतना समझे कलयुग आ गया। आखिर हम जानेंगे क्या वाल्मीकि जी बोले? वाल्मीकि जी से कह गए एक दिन कलयुग आएगा, माँ पिता की जन है तिरिया संग नियर लगाएगा, अपू तिरिया अपना पति के जन है आन पूरी समन भाएगा। वाल्मीकि जी से कह गए एक दिन कलयुग आएगा, को मतलब कलयुग आ गई भाई, अब जाए वाला नहीं के घोर कलयुग है। आज लिट्टी चोखा बनी बाबा, दोस्तों देख लीजिए बुढ़े आदमी की अपने जुबानी बोल रहे हैं कि कलयुग का प्रकोप आ गया है, कलयुग जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है। नमस्कार।